रहमतुल्लाह बरकातुहू, हमारे सामने हाफिज़ शरीफ साहब मौजूद है जो माशाल्लाह मस्कत से मैंगलोर और मैंगलोर से भटकल जो काफिला आया हुआ है जिसमें तकरीबन 60 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला है। तो हम उनसे कुछ सवालात पूछना चाहेंगे कि आपका मस्कत से भटकल का सफ़र कैसे रहा, चूँकि आपको मस्कत से भटकल कहा गया था और कुछ हालात की बिना पर आप मैंगलोर में रुक गए, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से जो हमारे सामने अपने मुल्क में पहुँचने का जो सफ़र था, तो अल्लाह पाक ने वहाँ पर सारी सहूलियात को हमारे लिए पूरा कराते हुए आफियत के साथ में हमें सफ़र के लिए कदम का उठाना अल्लाह ने आसान फरमाया। हम अपने ज़िम्मेदारान के भी शुक्रगुज़ार हैं कि वहाँ से जब हम लोग आ रहे थे तो उन्होंने माशाअल्लाह हर एतबार से हमारा ताउन किया और फिर वहाँ की सारी कार्रवाई को पूरी करते हुए हम लोग माशाअल्लाह जब एयरपोर्ट में पहुँचे तो वहाँ पर भी हमारे साथ ही रहे और फिर वहाँ से उन्होंने हमें रवाना किया। तो जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो फिर हमारे ख्याल में ये बात थी कि हमें क्वारंटाइन भटकल में होना होगा, लेकिन कुछ हालात से महसूस हो रहा था कि पता नहीं कुछ इमरजेंसी हालात की वजह से शायद हमें मैंगलोर में क्वारंटाइन करना पड़े। तो जब हम लोग मैंगलोर में पहुँचे तो माशाल्लाह आफियत के साथ में अल्लाह ने हमें पहुँचाया और फिर वहाँ मैंगलोर एयरपोर्ट के जो स्टाफ थे उन्होंने भी भरपूर हमारा ताउन किया और फिर वहाँ से जब हम फारिग होकर बाहर निकले तो इस्तकबाल के लिए हमारी मस्कत जमात के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे और उनके साथ भी माशाल्लाह हमारे मैंगलोर जमात के सारे ज़िम्मेदारान वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे और फिर तंजीम के ज़रिए से जो सारा काम हमारा माशाल्लाह हो रहा था तो उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया और फिर वहाँ से बसों के ज़रिए से उन्होंने हमें मैंगलोर होटल में हमें क्वारंटाइन करवाया। मैंगलोर का क्वारंटाइन कैसा रहा, आपकी क्या तासुरात है? जी, असल हमारा क्वारंटाइन तो भटकल में होना था लेकिन इमरजेंसी हालात की वजह से हमें मैंगलोर में हमें क्वारंटाइन कराया गया। तो भरपूर माशाल्लाह हमारी मैंगलोर जमात के ज़िम्मेदारान ने हमारा साथ दिया और जिस होटल के अंदर हमें उतारा गया वो भी तो माशाल्लाह हमारे इलाके के साथी का ही होटल रहा। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारा रहना हुआ तो उन्होंने हर एतबार से हमारा ताउन किया के खाने वगैरह के सिलसिले में जो होटल से खाना मुस्तकिल हमें बराबर वक्त पर आता रहा और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आफियत के साथ में हमारे 8 दिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन पूरे कर दिए। और अखराजात के एतबार से अगर देखा जाए तो इसके अलावा जो हमारे भारत मिशन से जो लोग आए हुए थे तो उनके जो अखराजात थे तकरीबन 54 रियाल ओमानी उन्होंने 7 दिन के क्वारंटाइन के लिए दिया हुआ था और हम लोग जो यहाँ पर रहे माशाल्लाह तो तकरीबन हमें 54 की जगह पर 23 रियाल तकरीबन ये ख़र्चा जो है हमें यहाँ पर आया और अल्लाह का फजल से बहुत कम पैसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का हमारा सारा काम पूरा हुआ। तो माशाल्लाह आपने बताया कि 7-8 दिन हो गए लेकिन इधर आप इतने दिन क्वारंटाइन थे, फिर आपका टेस्ट इधर क्यों नहीं हुआ? जी, असल यहाँ पर जो है टेस्ट के सिलसिले में ये बात थी कि जब हमारा यहाँ पर पहुँचना हुआ था तो उन्होंने कहा था कि कल के दिन हम आपके पास आएंगे और आपका स्वैब लिया जाएगा। उसके बाद में फिर ये खबर हमें आ गई कि चूंकि आप लोग असल कारवार डिस्ट्रिक्ट से हैं तो जिसकी वजह से हम लोग आपका यहाँ पर टेस्ट नहीं करा सकते हैं। तो उसके बाद में फिर हमने अपने साथियों से मशवरा किया कि इस वक्त में क्या किया जाए, तो हमारे साथियों ने हमें ये राय दे दी कि ये हमारे लिए मुनासिब रहेगा भले ताखिर सही। असल इसके अंदर वजह है कि हमारे इस काफिले के अंदर तकरीबन 60 लोग हैं जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे और हमारे मस्तूरात भी हैं जो और उसके साथ ही बड़े बूढ़े लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे साथियों ने ये राय दे दी
कि अगर यहाँ पर हमारा टेस्ट हो जाए और अल्लाह न करे कि कोई अगर यहाँ पर पॉजिटिव अगर आ जाए तो फिर कल के दिन यहाँ आगे कहाँ पर उठाकर उनको ले जाएंगे, कहाँ पर रखेंगे, इस सिलसिले के अंदर हम लोग इस वक्त में तो नहीं जानते। तो बेहतर यह है कि अपने मकाम पर जाने के बाद में अल्लाह न करे ऐसी कोई बात पेश भी आ जाए तो वहाँ पर चूँकि इंतज़ाम जो है हमारा ही है, मुंतजमीन सारे जो वुमन सेंटर के अंदर जो रख दिया जा रहा है और वहाँ पर हमारी तंजीम है, हमारे जिम्मेदारान है, तो अपने इलाके के अंदर वहाँ पर रहने के अंदर आसानी हो जाएगी। तो इस पर ये बात मुनासिब लगी और फिर हम मजीद उसके लिए कोशिश करने से रह गए। भटकल के क्वारंटाइन से, भटकल में जाके चूँकि आपको क्वारंटाइन करना है, उधर टेस्ट वगैरह होना है, तो उससे क्या उम्मीद और तवक्को रखते हैं? हम लोग आगे भटकल जा रहे हैं तो हम इस तवक्को के साथ में जा रहे हैं कि 7 दिन तो हमारा यहाँ पर गुजर चुका है तो फिर आगे जाने के बाद में फिर अपने स्वैब टेस्ट के लिए हमें मजीद ताखिर न हो जाए, कि हम उम्मीद करते हैं कि अपने जिम्मेदारान से कि फौरी तौर पर इस सिलसिले में कदम उठाकर जितना हम लोग यहाँ पर जितने दिन रह चुके हैं तो मजीद हमें इंतज़ार के ऊपर नहीं रख दिया जाए, फौरी तौर पर इंशाल्लाह हमारा टेस्ट करा के हमें यहाँ से फारिग कर इंशाल्लाह अपने घरों में जाने के सिलसिले में हमारा ताउन कर दिया जाए।